प्रोफेसर ह्यूबर्ट जिटनेस वेब्रुकन वेधशाला को अब्द दो की विशाल प्रतिकृति में बदल दिया। पिछले साल जर्मनी में वेब्रुकन वेधशाला को अब्द दो की विशाल प्रतिकृति में बदल दिया गया था। जर्मनी में कैसरस लॉटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ह्यूबर्ट जिटने और एक छोटी सी टीम जिसमें उन्होंने होर्स्ट हेल, उनके ससुर क्लाउस रफिंग, जर्मन चित्रकार और छात्र स्वयं सेवकों को शामिल किया था, ने वेब्रुकन वेधशाला को अब्द दो के एक विशाल संस्करण में बदल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिट एक बड़े स्टार वॉर्स फैन हैं और अपने स्टार वॉर्स और स्टार ट्रेक लेक्चर के लिए जाने जाते हैं। ल्यूक स्काईवॉकर अभिनेता मार्क हैमिल ने ट्विटर पर वेधशाला का उल्लेख किया। जर्मन केवल एक निश्चित इमारत या संरचना के माध्यम से स्टार वॉर्स के अपने प्यार को दिखाने के लिए नहीं है। 2017 के दिसंबर में वापस कैलिफोर्निया निवासी कोल्बी पॉवेल ने अपनी छत पर स्टार वॉर्स से मिलेनियम फाल्कन की एक हल्की प्रतिकृति बनाई। उन्होंने पहले इसे हेलोवीन के लिए रखा था, लेकिन फिर इसे अपने घर में एडल्ट लाइट्स का हिस्सा बना लिया। मिलेनियम फाल्कन की उनकी प्रतिकृति 8.7 मीटर लंबी मापी गई। 2010 में गुड्स ऑब्जर्वेटरी ने खुद को अब्द दो पर ले लिया, लेकिन यह जर्मन के काम की तुलना नहीं करता है। जर्मन वेब्रुकेन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज और इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर ह्यूबर्ट जिट को उनके व्याख्यानों में एक विज्ञान फाई स्पिन जोड़ने के लिए जाना जाता है। लेकिन सितंबर 2018 में उन्होंने ज़ीब्रुक ऑब्जर्वेटरी ऑफ द नेचुरल साइंस एसोसिएशन के अर्ध दो की विशाल प्रतिकृति में परिवर्तित किया और प्रतिष्ठित मताधिकार के अपने प्यार को अगले स्तर तक ले गए। सौभाग्य से गुंबद के आकार की संरचना में पहले से ही एक रूप है जो स्टार वॉर्स के प्यारे प्यारे ड्रॉयर जैसा है। प्रभावशाली नीले और सफेद डिजाइन की तस्वीरें विज्ञान कथा प्रशंसकों द्वारा हर जगह साझा की गई है, और यहां तक कि स्टार वॉर्स अभिनेता मार्क हैमिल ने इसके बारे में ट्वीट किया है। जेस्ट में उन्होंने लिखा, अर्ध दो वेधशाला ट्रांसफॉर्मर जर्मन में विशाल काय नर है। वास्तव में जिट विज्ञान कथा के क्षेत्र में इतना जानकार है कि 2005 के दौरान उन्होंने कई अन्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ यूरोप के सबसे बड़े विज्ञान कथा सम्मेलन फेडकॉन में व्याख्यान दिया। 2008 में उन्होंने जर्मनी में पुस्तक स्टार ट्रेक की प्रस्तावना लिखी, और उसी वर्ष प्रोफेसर सैन एंटोनियो में टेक्सास विश्वविद्यालय के नियमित व्याख्याता के रूप में एक नियमित व्याख्याता बन गए। टेक्सास में स्टार ट्रेक के भौतिकी शिक्षण